झारखंड प्रदेश पासवा के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में राज्य में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की मांग को लेकर एवं 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आरटीआई कानून में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया एवं बैठक की एवं साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। बैठक में कई जिलों के पासवा अध्यक्ष एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पासवा के प्रतिनिधि मंडल ने आज शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात किया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री न सिर्फ संजीदा है बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम स्कूल खोलने वाले हैं। आज उन्होंने आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई है। मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में पिछले 3-4 महीनों से लगातार पासवा अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल खोलने की मांग कर रहा था। कोरोना संक्रमण के घटते प्रभाव को देखते हुए अब हम यह उम्मीद करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री के पहल पर राज्य के 47,000 निजी विद्यालय और सरकारी स्कूल खुलेंगे। हमारे देश के भविष्य और बच्चे नौनियाल स्कूलों में जाएंगे, फिर से पढ़ाई शुरू होगी और जो पिछले 22 महीने से स्कूल में लॉकडाउन था, स्कूल प्रारंभ होंगे। एक SOP गाइडलाइन के तहत हमारा ये कोशिश होगा कि जब स्कूल खुलेंगे तो सही से पढ़ाई हो, और इसके लिए कल हम लोगों ने पूरे राज्य कार्यकारिणी की प्रेस क्लब में 11:30 बजे से बैठक आउट की है और उसमें लिए गए प्रस्ताव से फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को अवगत कराएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।